नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। राजभवन के समीप आज झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा के द्वारा 3 दिवसीय भूख हड़ताल पर लोग बैठे हैं। इनकी क्या मांगे हैं, आइए इनसे जानते हैं। किन किन मांगों को लेकर आप लोग आज धरना पर बैठे हैं? झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा का 23 मार्च से 3 दिवसीय भूख हड़ताल कार्यक्रम चल रहा है। चूँकि हम लोगों ने अनेकों बार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को और जो सत्तारूढ़ दल हैं उनको हम लोग ज्ञापन सौंप करके मांग करते रहे हैं कि पिछड़ों को 27% आरक्षण, वैश्य आयोग का गठन, जो छोटे दुकानदार व्यवसायी हैं जो काफ़ी परेशान हैं उनका 10 लाख रुपए तक का ऋण माफ़ी, और जो वैश्य समाज का शोषण दमन उत्पीड़न हो रहा है उस पर रोक लगे। लेकिन अफसोस की बात है कि सत्ता में बैठे हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने वादा किया था चुनाव के वक्त कि हमारी सरकार बनेगी तो हम पिछड़ों को 27% आरक्षण पहली कैबिनेट में दे देंगे। लेकिन आज 2 साल से अधिक समय बीत गया है और कई कैबिनेट हो चुके हैं, लेकिन अब पिछड़ों को 27% आरक्षण देने से सरकार मुकर रही है। यहाँ तक कि जो पंचायत चुनाव होने वाला है वह भी आरक्षण दिए बिना किया जा रहा है, जो सरासर गलत है। पिछड़ों और वैश्य समाज के साथ घोर अन्याय है, इसीलिए हम लोग आज भूख हड़ताल में बैठे हैं। भूख हड़ताल का आज 2रा दिन है, कल हम लोग का भूख हड़ताल 3रा दिन समाप्त होगा और कल फिर बड़ी लड़ाई की भी हो सकता है हम लोग घोषणा करेंगे। दरअसल लोकतंत्र में तो हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के वंशज हैं, अनुयायी हैं, तो जो लोकतांत्रिक तरीका होगा हम लोग अपनाएंगे। और लोकतंत्र में 5 साल ही सरकार में बने रहने का अधिकार किसी को है, 2.25 साल बीत चुका है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए समय बीतते देर नहीं लगता है। अगर आप धोखा दे करके सत्ता में बने रहेंगे तो आने वाले दिनों में सत्ता से बाहर करने का भी हमारा समाज OBC लोग लगेंगे। तो आपने सुना कि इनकी क्या मांगे हैं और सरकार अगर इनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी तो ये अगला कदम भी उठाएंगे। जीएन भारत के लिए रांची से वीडियो जर्नलिस्ट सोनू पांडे के साथ मैं राशिका बजाज। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।